आज की इस वीडियो में दोस्तों चर्चा करेंगे इकाई दो अर्थशास्त्र 11th का दोस्तों सॉल्यूशन प्रश्न बैंक का लेके आ चुके हैं, जिसमें दोस्तों आपके तीन अध्याय हैं, आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का संगठन और आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। दोस्तों इस यूनिट से आपको कुल 17 अंक के प्रश्न आएंगे, जिसमें से आपके 4 ऑब्जेक्टिव आने हैं दोस्तों, और 2 अंक का एक प्रश्न देखने को मिलेगा, 3 अंक का दोस्तों आपको 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे और 1 दोस्तों 5 अंक का बड़ा प्रश्न आपको देखने को मिलने वाला है। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से। दोस्तों पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है यहां पर, जब आंकड़ों का वर्गीकरण समय के आधार पर किया जाता है तो इसे कहते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा समय के अनुसार वर्गीकरण। अगला प्रश्न है, आंकड़ों को विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है तो इस विधि का नाम क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भौगोलिक वर्गीकरण। एक अच्छी प्रश्नावली का गुण कौन सा है। दोस्तों तो एक अच्छी प्रश्नावली के गुण होते हैं उचित क्रम हो, उचित स्थान हो, छोटे एवं स्पष्ट प्रश्न होने चाहिए, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों आप लोगों से, आयात चित्र है। दोस्तों इसका आपको कमेंट करके आंसर बताना है, मैं आपको जब इसका क्वेश्चन का दोस्तों डिटेल में आंसर बताऊंगा। तो ये प्रश्न मैंने यहाँ पर जोड़ लिया है अपने इस वीडियो में, तो आपको मैं लास्ट में बता दूंगा दोस्तों, ठीक है। चलिए बात कर लेते दोस्तों अगले प्रश्न पर, खाली स्थान भरिए। पहला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ग की उच्च सीमा तथा निम्न सीमा का अंतर बताइए। बहुत ही सरल है, तो इसे आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। पूर्व में उपयोग में आने वाले समंक कहलाते दोस्तों, तो इसे हम प्राथमिक समंक कहते हैं, याद रखेंगे आप लोग। इसका राइट आंसर जाएगा द्वितीयक समंक कहलाते हैं। ओके दोस्तों इसको क्या कहलाते हैं, द्वितीयक समंक कहलाते हैं। वृत्तीय चित्र गोलाकार होते हैं दोस्तों, ठीक है। द्वितीयक समंक मौलिक नहीं होते, आप लोग याद रखेंगे। द्वितीयक समंक क्या होते हैं दोस्तों, मौलिक नहीं होते हैं। सत्य सत्य में बात कर ले दोस्तों, तो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, किसी वर्ग में आने वाले चरों की संख्या को वर्ग आवृत्ति कहा जाता है, तो बिल्कुल सत्य है। सूचक स्वयं प्रश्नावली भरते हैं, ये भी सत्य है। घंटा, दिन, हफ्ता व महीना भौगोलिक वर्गीकरण का उदाहरण, ये भी सत्य है दोस्तों। संचयी आवृत्ति से आशय एक वर्ग की आवृत्ति से है, ये भी ये आपका दोस्तों असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माध्य मूल्य ज्ञात करने का सूत्र लिखे। दोस्तों आपके माध्य मूल्य का जो सूत्र है ये होता है L1+L2+2 होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है आपसे, अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित समंक क्या कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्राथमिक समंक कहलाते हैं। क्या कहलाएगा दोस्तों, प्राथमिक समंक कहलाते हैं। भारत में जनगणना कितने वर्षों में होती है, तो 10 वर्षों में होती है। कितने वर्षों में होती है दोस्तों, 10 वर्षों में की जाती है। द्विगुण सारणी किसे कहते हैं दोस्तों, द्विगुण सारणी का मतलब ही है दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन ही बोल रहा है कि जिसमें दो गुण समाहित हो या फिर दो गुणों से निर्मित सारणी को दोस्तों द्विगुण सारणी कहा जाता है। सही जोड़ी पे बात करें दोस्तों, पहला प्रश्न है, अच्छी प्रश्नावली का गुण होता है दोस्तों छोटे एवं स्पष्ट प्रश्न हो। प्रकाशित आंकड़े द्वितीयक समंक कहलाते हैं। टिप्पणी दोस्तों सारणी का अंतिम भाग होता है और संचयी बारंबारता दोस्तों तोरण कहलाता है। अब बात कर ले दोस्तों अपने प्रश्नों के बारे में, तो यहाँ दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, अति लघु उत्तरी से आपको 2 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। लघु उत्तरी से दोस्तों आपको इस लघु उत्तरी से 1-3 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा और इस लघु उत्तरी से आपको 1-3 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। दीर्घ उत्तरी से दोस्तों आपको 1-5 नंबर का बड़ा प्रश्न देखने को मिल सकता है दोस्तों। एक बात और मैं बता देता हूं दोस्तों, आपको इस यूनिट से आपको 17 नंबर के पूरे प्रश्न आएंगे, जिसमें दोस्तों मैं आपको बता देता हूं प्रश्नों में फेरबदल हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिन्हें 3 नंबर में कन्वर्ट किया जा सकता है या फिर 5 नंबर में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आप प्रश्न बैंक के हिसाब से ही बस नहीं पढ़ेंगे, आपको अपने ब्लूप्रिंट और बुक के हिसाब से भी पढ़ना है। तो मैं आपको बुक और ब्लूप्रिंट साथ साथ प्रश्न बैंक का सलूशन भी बताने वाला हूं, तो वीडियो का अंतिम तक जरूर देखेगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों अब हम सोल्यूशन पर बात करें। पहला प्रश्न है हमारा, उत्तम प्रश्नावली के लिए सावधानियां क्या क्या होंगी। दोस्तों तो पहले प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं, उत्तम प्रश्नावली के लिए सावधानियां क्या क्या बरतेंगे आप लोग। तो यहां पर मैंने नोट कर दी दोस्तों, पहला पॉइंट है निवेदन पत्र, प्रश्नों की संख्या कम, सरल व स्पष्ट प्रश्न होने चाहिए, उचित क्रम होना चाहिए, वर्जित प्रश्न होने चाहिए। दोस्तों इसमें सारे के सारे पॉइंट मैंने नोट कर दिए, आपको बहुत इजिली आपके बुक में भी देखने को मिल सकते हैं, तो आप वहां से भी कंप्लीट कर सकते हैं या फिर हमारे इस वीडियो के माध्यम से भी इसे कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न पर, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि अगला प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे, सर्वेक्षण या संगणना एवं निर्देशन या प्रतिदर्श अनुसंधान से क्या सही, स्पष्ट कीजिए दोस्तों। ये 2 नंबर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो यहां से क्लियर करेंगे आप लोग, इसे देख सकते हैं, अगर आपको लगे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों या फिर आप इसे बुक से भी नोट कर सकते हैं। चलिए
अब बात करेंगे दोस्तों हमारे अगले प्रश्न पर जो कि है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, संगणना अनुसंधान के गुण को स्पष्ट की दोस्तों। ये 3 नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे कंप्लीट कर लेंगे। चलिए बात करने वाले हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों, जो कि वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या होता है। ये भी आपका 3 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे भी आप कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। अगर आप क्वेश्चन लिखना चाहते तो क्वेश्चन लिख सकते हैं और अपने बुक से भी आंसर को चेक कर सकते हैं, या फिर आप हमारे वीडियो को स्किप करके भी वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा दोस्तों। पीडीएफ के लिए आप सिंपली हमारे वेबसाइट helpexam.in आप गूगल पर सर्च करेंगे दोस्तों तो आपको वहां पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक और वेबसाइट के लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर देखने को मिल जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगला प्रश्न दोस्तों आपके 5 नंबर के लिए है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्गीकरण का अर्थ एवं उद्देश्य बताइए, एक अच्छे वर्गीकरण की क्या क्या विशेषताएं होती है दोस्तों। वर्गीकरण का अर्थ आपको बताना है और एक अच्छे वर्गीकरण की विशेषता यहां पर मैंने नोट कर दी दोस्तों, बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही सटीक तरीके से, तो आप इसे स्क्रीनशॉट की मदद से या फिर इसे वीडियो को रोक करके भी आसानी से नोट कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है तो आप अभी इसको कंप्लीट कर लीजिए। अगर दोस्तों आपको पूरी सब्जेक्ट का फुल सोल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फुल सोल्यूशन दोस्तों पॉलिटिकल साइंस का, अर्थशास्त्र का, समाजशास्त्र का, इतिहास का प्रोवाइड कर सकता हूं दोस्तों। अगर आपको चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ये इसका उद्देश्य नोट कर लेंगे दोस्तों। साथ ही साथ एक अच्छी विशेषता भी नोट कर लेंगे दोस्तों कि एक अच्छे वर्गीकरण की विशेषता दोस्तों, ये 3 नंबर में पूछा जा सकता है लेकिन ये 5 नंबर के क्वेश्चन के साथ में अटैच है, ठीक है दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों 2 नंबर के प्रश्न पर कि मध्य मूल किसे कहते हैं, तो ये मध्य मूल है दोस्तों, इसे आप यहाँ पे नोट कर लेंगे, साथ साथ उदाहरण भी मैंने बताया उसे भी नोट करेंगे। अपवर्जी श्रृंखला के आशय है दोस्तों, तो ये यहां से कंप्लीट कर लेंगे। समवेशी श्रृंखला को आपको कंप्लीट करना है। दंड चित्र क्या होता है, बहुगुणी दंड चित्र क्या है, अगला प्रश्न है अंतर्विभाग दंड चित्र क्या है, तो सभी इंपॉर्टेंट है दोस्तों 2-2 नंबर के लिए, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसे नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसे बहुत ही सरल भाषा में आपको बता दिया है जो कि आपके प्रश्न बैंक में पूछे भी गए हैं, तो इन प्रश्नों को आप जरूर पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी ये सारे के सारे प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हें भी कंप्लीट जरूर करेंगे। ओके दोस्तों, एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, आयत चित्र क्या है, तो आयत चित्र वह रेखा चित्र है जिसमें अखंडित श्रृंखला से संबंधित मदों तथा उनके आवृत्तियों को आयतों के रूप में ग्राफ पेपर पर अंकित किया जाता है, चित्र कहलाते हैं। एक अगला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, चित्र के सामान्य नियम क्या है, चित्रमय प्रदर्शन की सीमाएं बताइए, तो इसे आप सामान्य नियम को कंप्लीट करेंगे, इसके बाद इसकी सीमाएं भी आप लोगों को नोट कर लेनी दोस्तों। यहाँ पर मैंने 10-12 आपको इसके सामान्य नियम बताए हैं, लेकिन आपको पूरे के पूरे नियम याद कर लेने और इन्हीं नियमों को नोट करना है। सीमाओं पर बात करें दोस्तों, सीमाएं भी आप यहाँ से कंप्लीट करेंगे। देन इसके बाद अगला प्रश्न दोस्तों, समंकों के बिंदु रेखीय प्रदर्शन पर महत्व बताइए, तो बिंदु रेखीय प्रदर्शन का महत्व भी नोट कर लेना है। और अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर हम चर्चा करने वाले हैं, जिसके बारे में आपको बता देता हूं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो उसे भी कंप्लीट करना है दोस्तों। एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका 5 नंबर के लिए, सारणी के विभिन्न प्रकारों को बताइए, सरल व जटिल सारणी के उदाहरण दीजिए, तो इसे आप कंप्लीट कर लेंगे। बाकी की चीजों का अगर आपको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, पूरा का पूरा पीडीएफ चाहते हैं, तो आप सिंपली हमारे वेबसाइट helpexam.in पर विजिट कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, तो वहां पर दोस्तों मैं पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ, जैसे सोल्यूशन बताता हूँ, तो आप वहां से भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। सारणी के प्रकारों को समझ लीजिए, क्या क्या प्रकार होते हैं, किस प्रकार से है, तो सारी की सारी चीजें आप कर दी दोस्तों, आप यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे। देन अगला प्रश्न दोस्तों, आपका सारणी का निर्माण करते समय क्या क्या सावधानी या बर्तनी है, आपको क्या क्या नियम होने चाहिए, तो आप यहां से कंप्लीट करेंगे, तो नियमों के बारे में भी मैंने यहां पर बता दिया दोस्तों, क्या क्या चीजें होनी चाहिए उसमें, तो आप यहां पर कंप्लीट कर लेंगे। ओके दोस्तों, चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों हमारे जो अगली टॉपिक पर, तो दोस्तों अगला जो हमारा सलूशन आएगा वो नेक्स्ट डे आएगा, तो अगले यूनिट पर बात करेंगे दोस्तों, जिसमें आपको यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी जानकारी मिल सके दोस्तों। अगर आप अर्थशास्त्र का पूरा सोल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो दोस्तों आपको पूरा सोल्यूशन के साथ मिलूं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय।